नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निम्ना शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सदर निगाह है। दर्शकों, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 अपने परिवार वालों के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ मिलकर अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपके सामने बहु उपयोगी वीडियोस, एक्सक्लूसिव न्यूज और कुछ खास व्यक्तित्व के व्यक्तित्व परिचय लेकर लगातार प्रस्तुत हो रही हूँ, इसलिए बने रहे मेरे चैनल सजग निगाहें के साथ। सजग निगाहें आज न्यू कोरबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चांपा की स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो देखिए एनकेएच हॉस्पिटल चांपा की स्टोरी। मैं डॉक्टर कुमार विशाल एनकेएच हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। और हमारे अस्पताल में हर किस्म की ऑर्थोपेडिक सर्जरी संभव है, जॉइंट रिप्लेसमेंट तक भी हम लोग करते हैं, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हो, टोटल आर्थ्रोप्लास्टी हो। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पर 3 किया है और तीनों मरीज बिल्कुल ही भले चंगे और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यहाँ हम लोग लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी करते हैं और कोई भी फ्रैक्चर, एनी फ्रैक्चर इन ऑर्थोपेडिक भी फिक्स ओवर हियर। कोई भी फ्रैक्चर हो, चाहे वो पैर का हो, कूल्हे का हो, हाथ का हो, कोई भी फ्रैक्चर हो, उसको हम लोग सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास दक्ष OT स्टाफ, एनेस्थेटिस्ट और मॉडलर OT है, मॉडलर OT विद लैमिनर फ्लो हिपा फिल्टर के साथ, जिससे 0% इन्फेक्शन रेट माना जाता है और 0% इन्फेक्शन रेट होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फेक्शन की होती है, उसके बाद जॉइंट स्टिफनेस की होती है। ये दोनों ख्याल बखूबी हम लोग यहाँ पर रखते हैं। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलरली उसका साफ सफाई करना होता है, उसको फ्यूमिगेट करना होता है, उसका फाइल रिकॉर्ड रखना होता है, OT से कल्चर भेजना होता है, जो कि हमारे यहाँ हर तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। एवरी थर्ड डे फ्यूमिगेट करते हैं, कोई भी केस लेने से, मतलब अगर अपार्ट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक केसेस होते हैं तो इमिडिएटली हम लोग फ्यूमिगेट करते हैं। ठीक, मैं डॉक्टर गिरधर प्रसाद पटेल, MD मेडिसिन, एनकेएच हॉस्पिटल चांपा में अभी सर्विस में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हम लोग जो भी महानगरों में सुविधाएं होती हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिसिन के क्षेत्र में, वो सब सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं। ICU की फैसिलिटी है, जहाँ गंभीर से गंभीर मरीज को भी रख कर इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि पॉइजनिंग के केस हैं और कोई सर काटने के, बिच्छू काटने के और हार्ट अटैक वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ में ही किडनी के मरीज जिन्हें डायलिसिस की आवश्यकता होती है, वो भी यहाँ पे सस्ते कम दर में किया जा रहा है डायलिसिस की सुविधा। हेलो, मैं डॉक्टर रितेश तोड़के, MD पीडियाट्रिक्स, यहाँ NK चापा में कार्यरत हूँ। यहाँ हमारे पास नवजात शिशु का ICU और बड़े बच्चों के लिए भी ICU की सुविधा उपलब्ध है और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी किया जाता है।
और जो भी बच्चों की दुर्धर आजार है उसका इलाज किया जाता है। नवजात शिशु के लिए हमारे पास वेंटिलेटर, जैसे कोई समय से पहले बच्चा हुआ है, उसको सांस लेने में तकलीफ है, जिसको हम RDS बोलते हैं, उसके लिए हम सर्फेक्टेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड देते हैं बच्चों को। और जो भी बच्चे देर से रोते हैं या नहीं रोते हैं, उनके लिए वेंटिलेटर की सुविधा, जो नवजात शिशु के लिए अलग से वेंटिलेटर है हमारे पास, उपलब्ध है। और अगर आप बच्चों में देखा जाए तो जो भी आजार इससे आते हैं, पॉइजनिंग हो गया, सांप काटा, बिच्छू काटा, इस सब के लिए यहाँ पे इलाज होता है। मेरा नाम डॉक्टर रितु राज सिंह है, मैं NKH हॉस्पिटल चांपा में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट ग्रुप में कार्यरत हूँ। अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें कि जैसे कोई अगर ऑपरेशन हो रहा है, चाहे आर्थोपेडिक कंडीशन में हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को मैक्सिमम रिहैबिलिटेट करने का जो काम होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो वो हमारे संस्थान में बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध है, और साथ में जो मशीन है वो बहुत ही अत्याधुनिक है। जो जैसे कि अपन हम बात करें जकड़न के लिए, जॉइंट के जकड़न को दूर करने के लिए, तो उसके लिए CPM है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कारगर है नी जॉइंट की सर्जरी के बाद, ठीक। और अगर हम क्रोनिक बैक पेन की बात करें तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोथेरेपी में IFT टेंस, साथ में जैसे PIVD के केसेस हैं तो उनके लिए ट्रैक्शन, ये सब सुविधा बहुत ही कम दर में उपलब्ध है। और साथ ही अगर हम मैनुअल थेरेपी की बात करें तो मैकेंजी, मेडलैंड, ये सब जो सिर्फ मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती हैं, वो सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और उसके बाद जैसे दूसरे सर्जरी की बात करें हम, तो जैसे रिस्पायरेटरी केयर, चेस्ट केयर, इन सब आईसीयू केयर में फिजियोथेरेपी, इन सब का भी बहुत ही अच्छे से अनुभव प्राप्त हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। पेशेंट सिर्फ एज इमरजेंसी आते हैं, चाहे तो ऑपरेशन करवाने या डिलीवरी करवाने के लिए, मेरा एक सजेशन है कि 9 महीने हमारे यहाँ टोटली सेवा 24/7 उपलब्ध है। तो आप कभी भी हमारे यहाँ आके अपना चेकअप करवा सकते हो, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है वो पहले ही पता चले, ना कि इमरजेंसी में, और फिर उसका केस को और लंबे तरीके से फॉलोअप करवाते।